छोटी साधी नगर के सदर बाजार स्थित आदिनाथ जैन मंदिर में प्रतिदिन प्रवचन श्रृंखला चल रही है। आचार्य मृदु रत्न सागर महाराज साहब के शिष्य रतन नम्रतन सागर महाराज एक मुनि पवित्र रतन सागर निष्ठा में चल रही प्रवचन के दौरान मंगलवार को जन जन की आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र माला भूषण तप सम्राट आचार्य नवरत्न सागर सुरेश्वर महाराज साहिब की पंचम पुण्यतिथि गुणानुवाद सभा के रूप में मनाई गई है, जहां मुनि प्रवचन रत्न सागर ने बताया कि व्यक्तियों को अपने जीवन में महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। महापुरुष का जीवन अत्यंत ही कठोर होता है, वह तप तपस्या कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। पूज्य ने बताया है कि महापुरुषों के गुण गाने से जीव पवित्र होती है और महापुरुषों के गुण सुनने से कान पवित्र होते हैं और महापुरुषों के गुणों को आचरण मिलाने से जीवन पवित्र होता है। जिस व्यक्ति के रचाई के अंदर अन्य पुरुषों के गुणों के प्रति आदर भाव होता है, बहुमान भाव होता है, उन व्यक्ति को तीर्थ कर ही पदवी भी दुर्लभ नहीं होती है। जब वे छोटे थे तो बहुत मोटे थे, जब भी कहीं से गुजरते थे उन्होंने जन्म लिया और 11 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, और जब वो जहां से गुजरते थे तो लोग बोलते थे कि देखो हाथी का बच्चा जा रहा है। इस बात पर उन्होंने ठान ली और निश्चय किया कि तप के द्वारा मेरी काया को मैं सोच लूंगा अर्थात पतली कर दूंगा। आगे जाकर उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर लगभग 28,000 आयनबिल वर्तमान तप की 194 ओली करी है। अपने गुरु की याद में 108 तेले किए हैं। पूज्य गुरुदेव अजत शत्रु से सभी संप्रदाय में सभी लोग आचार्य नवरत्न सागर जी को बड़े ही मान और सम्मान से बुलाते थे। उनका चरित्र अकल्पनीय था। नवरत्न सागर सूर्यवीर श्री महाराजा का चेहरा गुलाब की छाव था, जीवन उनका खुली किताब था, वापर थे वह लुखी रोटी लेकिन सिंह जैसा रुबाब था। यह बात प्रवचन के दौरान नवरत्न सागर जी के ऊपर प्रकाश डालते हुए मुनि पवित्र रत्न सागर जी ने कही। वही संघ के श्रावक और सेविकाओं ने भी आचार्य के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके किए गए उपकारों के बारे में बताया है। आचार्य नवरत्न सागर सुरेश्वर महाराजा ने 87,000 वर्ष प्राचीन भोपावर तीर्थ का जीर्णोद्धार भी कराया, उसके साथ ही सैकड़ों मंदिरों की अजनशाला प्रतिष्ठा भी पूज्य श्री ने करवाई है। वहीं गुणानुवाद सभा से आसपास के क्षेत्रों से भी सबको सारिका पधारी है। सैकड़ों की संख्या में हुए आयनबिल गुरुदेव नवरत्न सागर महाराज की पंचम पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती पिंकी बेन भोपराज नागौरी के 108 उपवास निमित्त सकल जैन संघ में 150 से अधिक आयनबिल की तपस्या की गई एवं सैकड़ों की संख्या में श्रावक श्राविका द्वारा समाई की गई।